पिंपल्स की समस्या आम हो गई है। खासतौर पर जिनकी त्वचा ऑयली होती है उन्हें पिंपल्स ज़्यादा परेशान करते हैं। पिंपल्स न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को कम करते हैं बल्कि कई बार असहनीय दर्द का कारण भी बनते हैं। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि त्वचा में संक्रमण के कारण तेल ग्रंथियाँ भर जाती हैं जिनके कारण चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह संक्रमण होता कैसे है। दरअसल त्वचा से निकलने वाला अत्यधिक तेल मृत त्वचा के साथ मिलकर रोम छिद्रों को बंद कर देता है जिससे वहां बैक्टीरिया पनपने लगता है जो मुहासों का कारण बनता है। यकीन मानिए पिंपल्स का एक ही इलाज है और वो है घरेलू इलाज। अगर आप इसके इलाज के लिए विदेश जाएंगे तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने घर पर रहकर और घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके ही पिंपल्स का इलाज करें। तो दोस्तों इन घरेलू नुस्खों को जानने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पिंपल्स के लिए एक वरदान है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अत्यधिक तेल और गंदगी को हटाने में बहुत प्रभावी है। रोजाना नहाते समय इसे गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे से पिंपल्स ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आपको कभी पिंपल्स हुए ही नहीं हो। अगर आप सूखी मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं तो इसे रात भर गुलाब जल में भिगोकर रखें। इसे लगाते समय इसमें थोड़ा सा नींबू भी मिला लें। इस मिश्रण से आपके पिंपल्स बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। नंबर 2, टूथपेस्ट। सफेद टूथपेस्ट पिंपल्स को दूर करने में बहुत असरदार होता है। यह बर्फ की तरह काम करता है। इसे त्वचा के जलने पर भी लगाया जाता है लेकिन ध्यान रखें कि टूथपेस्ट जेल टाइप का ना हो, नहीं तो आपको जलन हो सकती है। इसमें बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ट्राइकोलोसन जैसे पदार्थ होते हैं जिससे पिंपल्स जल्दी सूख जाते हैं। इसे दिन में 2 बार लगाएं, इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। नंबर 3, ओटमील यानी जई का दलिया। ओटमील स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह पेट को ठंडा रखने के साथ साथ आपको भरपूर मात्रा में फाइबर देता है। ओटमील फेस पैक से पिंपल्स बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि यह हमारी त्वचा के रोम छिद्रों को साफ करने के साथ साथ उसमें से अतिरिक्त तेल को सोखने में भी मददगार है। इसे शहद और नींबू के साथ मिलाकर लगाएं, पिंपल्स जरूर जल्दी गायब हो जाएंगे। नंबर 4, एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एक ही नहीं बल्कि कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। इसे खाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। यह त्वचा संबंधी रोगों के लिए अति उत्तम है। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से पिंपल्स को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। रात को सोने से पहले एलोवेरा लगाएं। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल उपलब्ध है तो इसे उसमें मिलाकर लगाएं। नंबर 5, नीम। पिंपल्स को ठीक करने के लिए नीम बहुत ही असरदार औषधि है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। नीम को पीसकर पेस्ट तैयार करें और इसमें एप्पल साइडर विनेगर और शहद मिलाकर लगाएं। सिरके की जगह आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको केवल वही चीजों को उपयोग करना है जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। इसे रोजाना चेहरे पर लगाएं। कुछ दिनों में आपके पिंपल्स बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप नीम का पानी भी तैयार कर सकते हैं। इसे आइस ट्रे में रखें और उन क्यूब्स को चेहरे पर धीरे धीरे रगड़ें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये घरेलू नुस्खे बहुत पसंद आए होंगे। यकीन मानिए अगर आप इन घरेलू उपायों को अपनाएंगे तो आपके पिंपल्स जल्द ही गायब हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।